our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. राहुल स्ट्रॉलर चला रहे हैं, बट गोलू जी महाराज तो मेरे पास है एंड ही इज सुपर एक्साइटेड। सुबह के बजे हैं 5 और हम हैं लंदन की मेट्रो में। तो भाई ट्रिप शुरू हो चुका है, आप लोगों के लिए हुआ नहीं हुआ बट हमारा हो गया भाई। सुबह 3 बजे के उठ गए तो हम जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, हम निकल चुके हैं भाई। सुबह 3 बजे उसको उठना ऐड हो गई है। Hi guys, welcome back to our next video. मैं हूँ राहुल। मैं हूँ अनीशा। और हम रहते हैं लंदन में। तो भाई हमारी नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम स्वागत कर रहे हैं आज गेटविक एयरपोर्ट। इस टाइम हम बैठे हैं गेटविक एयरपोर्ट, ये पीछे आप थोड़ा सा अगर देखो तो, और ये हमारे सेठ जी बिल्कुल शूटिंग नहीं करने दे रहे हैं, ये लोग शूट नहीं करने दे रहे हैं। तो खैर All is part of life. तो पॉइंट पे आते हैं, अभी तक हुआ गया है, अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, जबकि हमने फ्लाइट अभी पकड़ी भी नहीं। एक तो हमारा लॉल भी हुई गवा। हमारे साथ लॉल हुई गवा। तो पॉइंट ये, हमें जाना था आज कॉर्नवाल। कॉर्नवाल जा रहे हैं, जाना था भी है भी, जा भी रहे हैं। तो हम सुबह निकले, उठे 3 बजे और 5 बजे हम निकले अपनी तरफ से थोड़ा जल्दी। हमने सोचा था 6 बजे निकलेंगे बट हम रेडी हो गए थे तो हम 5 बजे निकल पड़े। और भाई हमें यहाँ पहुँचते सब चेक करते करते 8:15 हो गए और हमारी फ्लाइट है 9 बजे। तो बिल्कुल कट्टू कट्टा अगर हम आधा घंटा आगे पीछे हो जाते तो दिक्कत हो जाती। तो पहली बात तो ये। उसके बाद लोल क्या हुआ हमारे साथ भाई, हम लगे हुए थे बातों में, कतई भयंकर एक नींद आ रही थी। ट्रेन में बैठे हुए हैं मेट्रो में, इसने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और हम मैंने ध्यान दिया, मैंने बोला एंड यू वर लाइक वो लोग अलग जा रहे होंगे, वो कहीं और जा रहे होंगे, यू नो गर्ल्स। तो क्या बोलूँ, मतलब भाई बोला अलग चीज़ है बट वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोला ना, तो फील नहीं आई कि हाँ अभी मैं गलत जा रहा हूँ। तो जब तक हमने एनालाइज किया, हम 2-3 स्टेशन आगे गलत जा चुके थे, फिर वहाँ उतरे वहाँ से, क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंस में बोला तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, समझ गया ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, बस वही दिक्कत है। ठीक है, तो हम 2-3 स्टेशन आगे गए, वहाँ से उल्टे आए, फिर ट्रेन चेंज की, फिर गेटविक पहुंचे। गेटविक पहुंचने में भी हमें 1 घंटा लग गया सेंट्रल से, और हम लोग चले हुए हैं लंदन ईस्ट, लंदन वेस्ट की तरफ से, ये लगा लो हौसलों से मारे। तो भाई साहब भयंकर, कितना टाइम लग गया हमें, ऑलमोस्ट 2.5-2 घंटे। हम 5:30 बैठ गए, 7 बजे हम पहुंचे, तो 2 घंटे हमें लग गए। मतलब यार हम ब्लैक फायर्स पहुँच गए थे टाइम, सेंट्रल तो आ गए थे बट सेंट्रल से आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो हाँ, तो हम गेटविक पहुँच गए हैं। तो भाई 2-3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये नोट करना, ये ज़रूर देखना है वाला पार्ट। इसमें क्या है, एक तो ये पीछे थप्पड़ चल रहे हैं, तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि जब आप टिकट बुक कर रहे हो डोमेस्टिक, यूके में डोमेस्टिक के लिए, जो लगेज लिमिट बोलते हैं वो है 7 kg, बट एक्चुअली में वो होती है 10 kg। एटलीस्ट जिस फ्लाइट एयरलाइन से हमारे ईस्टर्न एयरलाइन, उसमें तो ये फंडा था जो हमें यहाँ आके पता लगा है। तो
तो हमने पहले ही सेटिंग थोड़ी सी बिठा रखी थी कि हमने आधा एक किलो इधर उधर डिवाइड कर रखा था, जैसे यहाँ पे सोलर भी अपना, तो हमने इसमें डिवाइड कर रखा ताकि उनको ना पता लगे, हम बिल्कुल जब चेकिंग वैकिंग हो जाए तब इसमें से निकाल के बैग में डाल देंगे। तो एक चीज़ ये पता लगी आज, तो जब भी आप टिकट बुक करो लोकल यूके में, एटलीस्ट एक बार फ़ोन करके चेक कर लो एयरलाइंस पे कि कितना वेट लिमिट अलाउड है। वो लोग स्पेसिफाई नहीं करते हैं वहाँ पे फॉर सम रीज़न, बट लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, हमने एक्स्ट्रा बैगेज वाला नहीं लिया, हमने सिर्फ कैबिन बैग लिया था, और कैबिन बैग भी यार बड़े वाले जो अपने होते हैं ना, कितने लीटर का यार, 80 लीटर का तो होगा ये। हाँ आई थिंक 80 लीटर का है, मैं दिखाऊंगा, अभी तो चेकिंग हो चुके हैं, बाद में दिखाऊंगा। तो वो उसमें फिट भी नहीं आया, जो यहाँ पे लोकल में चेक करके देखते हैं, एक बॉक्स होता है, मैंने घुसा दिया तो। हाँ तो उसमें कह रहे थे डाल के बताओ कि फिट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अलीशा ने घुसा दिया संभाव। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है मेरा बताने का, कि उसने हमें फ्री अलाउंस दे दिया कि वो चेक इन कर दिया, कैबिन में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने उसमें से क्या है, छोटा बैग ये निकाल लिया, और बाकी जो बड़े बैग थे दोनों उसमें चले गए नीचे लगेज वाले में। तो ये पॉइंट था कि ये भी एक ऑप्शन होता है, अगर किसी को पता है बंदा वहाँ पे सही बैठा है, तो बंदा अगर सही है तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको। तो ये थोड़ा एक प्लस पॉइंट हो गया, नहीं तो हमें वो दो बड़े बड़े बैग कैरी करने पड़ते, घुमाने पड़ते। अब यहाँ पे 15 मिनट है हमारे पास जब तक फ्लाइट गेट टाइमिंग आएंगी, तो अब हम फ्रीली घूम पा रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, बेबी के लिए यार भाई खाने पीने का कितना मर्जी सामान लेके आओ, हम बहुत खाने का लेके आए, सब अलाउड है, सब आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है अंदर से आपको कुछ खरीदना पड़ेगा। तो हम लोग काफ़ी कुछ लेके आए थे, सब अलाउड कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, बट चेकिंग वैकिंग होगी अच्छे से, वो एक बात है। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि भाई जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाला है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट एयरलाइन के हिसाब से ही सिक्योरिटी क्लियरेंस है, तो काफ़ी लेवल की सिक्योरिटी चेक हुई है, बेल्ट वेल्ट जूते वूते बाइक कच्चा तक उतरवाने को हो रहे थे ये लोग, क्या बताऊँ मैं। तो ये मुद्दा है, तो अभी हम अभी तक के लिए इतना, उसके बाद हम फ्लाइट में बैठेंगे तो आपको बताएंगे, बाकी बातें बीच बीच में आती रहेंगी। भाई एयरपोर्ट में एक बढ़िया चीज़ ये है, जो भी बच्चों के साथ आ रहे हैं गेटविक पे, ये प्ले एरिया यार, ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। मैं पता नहीं इंडिया वाले में मैंने कहाँ देखा है, बेंगलोर या मुंबई किसी एक में देखा है ऐसा था, बट हर पे नहीं है। तो ये फंडा भाई बढ़िया है यार, ये देखो ये सही है सिस्टम। भाई ये है नुक्वे एयरपोर्ट के बाहर, भाई छोटा सी एयरपोर्ट है यार, रनवे पे चल के आए हैं, छोटा सा प्लेन था, ग्लिम्स में देख ही लिया होगा आपने। तो भाई अभी चल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अपना कुछ आने जाने का साधन टू गो इनटू द सिटी, तो अभी फिगर आउट करते हैं, देखते हैं बताते हैं फिर क्या फंडा है यहाँ एयरपोर्ट से जाने का। एक तो मुझे कार हायर तो दिख रहा है यहाँ से,
कार हायर कर सकते हो बट हमारे पास लाइसेंस नहीं है सो वी कैन नॉट डू दैट। ये देखो यहाँ पे ये एक यूरो कार हायर है, यूरोप कार हायर, तो ये वाला कर सकते हो। डायरेक्शन में और हम बिल्कुल उसकी उल्टी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चलते चले गए। उसके बाद वी रियलाइज कि बस स्टेशन आ ही नहीं रहा है। एनीवे हाय हो गया आपके स्नैकिंग चल। यार ये तो कैसी फीलिंग आ रही है, किसी रिजॉर्ट टाइप एरिया में नहीं जा रहे हो जैसे? कौन सा घर है इसमें से बताओ। मिनी कूपर कुछ मिलेगी क्या, चलाने देगा वो? अरे भाई साहब नीचे कुछ लेक वेक है भाई, ये देखो दिखी तो देखते हैं क्या है पंडा, बताते बताते अभी चल रहे हैं, एक बार स्टे मिल जाए फिर देखते हैं। अरे भाई साहब ये तो बढ़िया लोकेशन है, तो पार्क देखो ये स्टे अलीशा ने ढूंढा है। यार एक घर देख रहे हो भाई, जैसे कहीं उसमें तुम फार्म हाउस में आते हो ना इस टाइप से, बढ़िया लोकेशन है यार ये। भाई मोस्ट रिकमेंडेड, हाँ यही है। आप लोग देख ही चुके हो, अब अभी उसमें जो अलीशा ने दिखाया अपना रूम कैसा है, तो अभी हम फ्रेश हुए हैं, थोड़ा सा लेटे हैं, कमर सीधी करी है और अब हम खाना वाना खाया है और अब हम चलते हैं, चल रहे हैं, देखते हैं बीच साइड जाएंगे, एक दो चीज़ें हैं वो देखेंगे सिटी में और कल निकलेंगे कॉर्नवाल घूमने। आज हम न्यू पुणे की सिटी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, 2 बज चुके हैं ऑलरेडी और ये नए गेटअप में हम आ गए हैं, जो मुझे तो सेक्सी लग रहा है।
अलीशा भी ठीक ही लग रही है, मैं ठीक ही लग रही हूँ, ठीक ही लग रही हूँ। ओके तो चलते हैं, घुमाते हैं, घूमते हैं भाई। वो नीचे देख रहे हो पेड़ दिख रहा है, हम वहाँ से चढ़ के आए हैं भाई और यहाँ आ गए हैं। देखो आधा सेवन सिस्टर कवर कर ले एक बारी में। ये तो सेवन सिस्टर की चढ़ाई हो गई जो वो सीफड़ में है ना उधर बेस्टबोन के पास। भाई साहब भाई फित्ते खुल गए इतनी देर में, कौन चढ़ेगा ये? तो एक्चुअली है कि इस वाली रोड पे ना जहाँ हमारा स्टे नियरेस्ट, ये चढ़ के आना ही पड़ेगा भाई। आसपास कोई बस स्टॉप नहीं है, ढूंढूंगा मैं रात को, अभी तो चलते हैं नहीं तो टाइम लग जाएगा, देखना पड़ेगा। थोड़ा पीछे कहीं बस दिखी है बट अभी तो ये चढ़ के जाना पड़ेगा फिलहाल। तो अगर ऑप्शन थोड़ा चढ़ाए हैं, पीछे देख रहे हो अभी और चढ़ना है, मज़ा आने वाला। अलीशा का बज गया बैंड, सिर्फ मेरा नहीं राहुल का भी बजे बैंड, बिकॉज राहुल ने मुझे खुद बोले कि बस करते हैं। हाँ अरे पता ही आपको, लड़कियों का तो ऐसे ही होता है, दो कदम चलते हैं फिर कहते हैं हमने बोला ये और ऐसे ही। चलो ठीक है चलो। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher.